स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के प्रभारी अधिकारियों की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभागों द्वारा तैयारियां पूरी कर ली जाएं और निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया जाए। डीएम ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा लगन के साथ पूरा करें। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्मिक नियुक्ति एवं प्रशिक्षण व्यवस्था अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश कुमार सिंह, कानून व विधि शांति व्यवस्था तथा जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति व प्रशिक्षण व्यवस्था अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव, मतपत्र व्यवस्था एवं स्टेशनरी प्रपत्र एवं किट व्यवस्था, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी माता दीन मौर्य, नियंत्रण कक्ष शिकायत निवारण, आदर्श आचार संहिता व्यवस्था अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्त, टेंट फर्नीचर बैरिकेटिंग ध्वनि एवं विद्युत व मजदूर व मिस्त्री व्यवस्था तथा स्ट्रांग रूम निर्माण व्यवस्था अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रवीण कुमार, वाहन एवं ईंधन व रूट चार्ज तथा प्रेक्षक व्यवस्था सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, वीडियोग्राफी सीसीटीवी एवं वेबकास्टिंग आदि की व्यवस्था डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर आशीष पांडे, मतपेटी व्यवस्था अधिशासी अभियंता जल निगम सिकंदर अली, मीडिया प्रबंधन जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, कंप्यूटर एवं नेट कनेक्टिविटी व्यवस्था जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रेखा गाड़िया, सूचना प्रेषण व्यवस्था जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद, मतदाता सूची व्यवस्था, मतदान स्थल निर्माण एवं AMF तथा मतगणना व्यवस्था समस्त उप जिला अधिकारी, भोजन एवं जलपान व्यवस्था जिला पूर्ति अधिकारी व जिला खाद्य विपणन अधिकारी, प्राथमिक चिकित्सा एवं औषधि किट व COVID-19 व्यवस्था CMO डॉ. सुधाकर पांडे, सफाई एवं पेयजल व्यवस्था नगर आयुक्त तथा कम्युनिकेशन प्लान एवं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन प्लान की प्रभारी मुख्य राजस्व अधिकारी को बनाया गया है। जिला अधिकारी ने आगे बताया कि जनपद में 30 लाख मतदाता है तथा 189 न्याय पंचायतें, 1294 ग्राम प्रधान, 1700 क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा 68 जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में कुल 1849 मतदान केंद्र है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों पर निरंतर निगरानी रखें तथा असामाजिक एवं अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम की स्थापना कर उसे क्रियाशील किया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन काफी महत्वपूर्ण है। SDM, CEO, SHO बैठक कर निर्वाचन तैयारी संबंधित बैठक कर ले। उन्होंने कहा कि अवैध शराब किसी भी हालत में नहीं बननी चाहिए, शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया जाए। अगर किसी ईंट भट्टे पर अवैध शराब बनते पाया जाए तो भट्टा मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर 100% बूथों का निरीक्षण पुलिस अधिकारी कर ले। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सभी संबंधित टीम भावना से कार्य कर निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए। उन्होंने यह भी बताया कि CDO ऑफिस में इलेक्शन सेल का गठन किया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश सिंह, ADM सिटी RK श्रीवास्तव, SDM खजनी अनुज मलिक, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित सभी SDM, SP, CEO और सभी SHO और SO मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP जोगेंद्र कुमार और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में हमारे आधारभूत आंकड़े क्या है भी कर लिए होंगे और आपके पास ये नोटेड भी है और ये हमारे यहाँ 189 न्याय पंचायतें हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। ये काफी बड़ा चुनाव है, बहुत ही संवेदनशील चुनाव है। ये डेटा मैंने एक बार सर आप लोगों के सामने पढ़ दिया है आपको संवेदनशील का। इसके पूर्व मैंने सर क्या क्या दायित्व है कार्यालय संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस, उसमें हमारे यहाँ कुल 1294 ग्राम पंचायतें हैं। तो मैं अति संवेदनशील ही बताता हूँ आप लोगों को कि अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस हम लोगों ने अभी कितना रखा, ये वेरिएबल है। आप इनकी सूची लेकर के इनको अपने अनुसार इनका आकलन करके कम ज्यादा कर सकेंगे। भट्टाघाट में 64 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 115 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 11 अति संवेदनशील हैं। तो भट्टाघाट सदर में है, इसके वीडियो साहब अगर वो हाथ उठाएं, भट्टाघाट के वीडियो साहब
और भट्टाहट के SHO साहब, अच्छा भट्टाहट के CO साहब, जिनके पास भट्टाहट हो, भट्टाहट ब्लॉक जिसके यहाँ होगा वही थाना भी होगा। इसमें कुल 115 मतदान केंद्र थे जिनमें से 11 को अभी अतिसंवेदनशील प्लस माना गया है, परंतु ये सूची एक बार आप पुनः देख लेंगे। पूर्वा में कुल 119 मतदान केंद्र हैं, वहां पे 3 ही मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील प्लस में रखा गया है। ब्रह्मपुर में 103 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 10 को अतिसंवेदनशील में रखा गया है। जंगल कोडिया में 64 मतदान केंद्र हैं, 6 अतिसंवेदनशील प्लस हैं। पिपराइज में 85 मतदान केंद्र हैं, 13 अतिसंवेदनशील प्लस हैं। गगहा में 89 मतदान केंद्र हैं और 11 अतिसंवेदनशील हैं। इस प्रकार से मैं सबको पढ़ के केवल इतना बता दूं कि हमारे पूरे जनपद में ग्राम पंचायत 1294 हैं, मतदान केंद्रों की संख्या 1849 है, जिसमें से 194 को अतिसंवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखा गया है। ये स्पष्ट है कि इन चुनावों में संवेदनशील से लेकर के अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या अत्यधिक है, इसमें करके हम लोगों को उपलब्ध कराने तो संख्या और सूची के अनुसार रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें आवश्यकता होगी सामग्री भट्टर और जोनर जो स्ट्रॉन्ग रूम की सूचना के लिए भट्टर बड़दलगंज कोराबा सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि हमारा स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ हो इम्पोर्टेंट है। भट्टर कोडिना इनके जो की वीडियो यहाँ का चार्ट मिला है तो आप तैयार करा के पंचायत निर्वाचन नामावली का हमारा तो ये पुनरीक्षण और SDM साहब आ गया। एक और सूचना है जो महत्वपूर्ण है, जिससे 8 बूथों के 2 केंद्र हैं हमारे, एक सरदार नगर में है और एक गगहा में है, तो निचुरली ये चारों हमारे अतिसंवेदनशील प्लस में हो गए। 7 बूथों का हमारे यहाँ 10 केंद्र है, जहाँ पर 7 बूथ हैं, पिपराइच में 1, गगहा में 2, कैंपेरगंज में 2, चरगावा में 1, थोराबाद में 1, सरजनवा में 1, बांसगांव पाड़ीगाम में 1-1 है। इसी तरह 6 बूथों के हमारे 22 केंद्र हैं, 5 बूथों के हमारे 60 केंद्र हैं, 4 बूथों के हमारे 191 केंद्र हैं। तो 4 बूथ 5, 6, 7, 9, 10 और 11 ये सब ऐसे बूथ होंगे जहां कम से कम 4000 मतदाताओं का टर्नआउट होगा। हमारी मतदाता सूची में न्यूनतम अधिकतम 800 लोग होने चाहिए, परंतु 1000 भी हैं, 1100 भी हैं और इसमें पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। जहां पर भी 4 बूथ हैं या 5 बूथ हैं, अभी सर के मार्गदर्शन में ये तय हो जाएगा कि हम लोग क्या पैमाना माने अतिसंवेदनशील प्लस के लिए, मतलब क्रिमिनल और वो चीज़ अलग रहे, मतदाताओं की संख्या के आधार पर हम किसे अतिसंवेदनशील प्लस में रखेंगे। इस जनपद में जितना कि 4 ब्लॉक के 8 हो गए, अलग अलग डेट्स हो गए, इसलिए हमें जो कार्मिक है उसकी जो नंबर है वो ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसमें सबका एफर्ट्स उसी हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। और जो रिजर्वेशन का है वो 15 मार्च तक हमें कम्प्लीट करना है, वो हमारे DGR और ऑफिसर हमारी जिम्मेवारी है, वो पैदल ही कर रहे हैं। और इसमें एक बिंदु मैं ऐड करना चाहूँगा, जो संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथ है उसको CEO और SDM खुद जरूर जाके देख रहे हैं, या तहसीलदार लेवल एटलीस्ट, ताकि बाद में इलेक्शन डे पे हमें प्रॉब्लम ना आए, जो उसकी प्लानिंग है पहले ही हो जाए, जहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं, जैसे भी बता रहे थे कि 4000 प्लस वोटर भी एक उस पर है, उसको आप जरूर देख लीजिए। बाकी हमारे नंबर रखिए और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास होना चाहिए। इनके DO के कारण कोई भी आपको कन्फ्यूजन है कुछ है, मेरे CDO ऑफिस में एक इलेक्शन सेल अलग से बना हुआ है और जिसमें 4 लोग हैं जो मैंने रिटर्न में ऑर्डर किया हुआ है, वो सारा इसको देख रहे हैं। आप लोग अभी से तैयारी कर रहे थे थाना स्तर पे, थाना अध्यक्ष, CEO, SDMs, और जो मैं फिगर्स है वो भी बताऊंगा आपको कि स्थिति क्या है अभी धरातल पे। आप खुद अपने थाने की देख सकते हैं, सर्कल ऑफिसर अपने देख सकते हैं, क्षेत्राधिकारी और SDM साहब अपने एरिया का देख सकते हैं। 107-16 में जो कार्रवाइयाँ हो रही है
अभी तक 116-16 में जो अभी सीनियर साहब बताया 116-16 की कार्रवाई आपको करानी ही करानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अराजक तत्वों और जो इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं ऐसे लोगों की करानी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यह चिन्हीकरण SDM साहब, CEO साहब और SHO को साथ में बैठ के करना पड़ेगा कि किनको हमें बाउंड डाउन करना है। अब 116-16 कर भी दी मान लिया आपने, उसका फर्क क्या पड़ेगा? जब तक ये 116 तार में पाबंदी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज की स्थिति यह है कि 116 तार में पाबंदी जीरो है। अगर है SDM साहब मेरे सामने बैठे हैं, CEO साहब भी बैठे हुए हैं, कोई है तो मुझे खड़े होकर बता दे साहब हमने 116 तार में पाबंदी किया है। पूरी मीटिंग है, मैं सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ, आज की स्थिति में 116 तार में पाबंदी जो है वो जीरो है। तैयारी में है, मुझे लग रहा था ऐसे ही होगा। और लगभग जो पंचायत चुनाव का लास्ट स्टेज पे है, यानी कि वोटर लिस्ट का जो है रिविजन हो रहा हो गया है, बूथ का मतदान हो रहा हो गया है, अभी तो आरक्षण का जो चल रहा है उनकी उम्मीद है 1-17 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो जनपद लेवल के जो तैयारी वाले हैं वो मान के जाते हैं, फिर वो कम्प्लीट हो गया। उसके बाद किसी भी दिन तो आचार संहिता लग सकता है, किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकते हैं, फिर शेड्यूल आ सकता है। और देखिए प्रधानी चुनाव तो बिल्कुल अलग तरीके के चुनाव है। प्रधान चुनाव आप लोग करे होंगे, हमने भी छोटा चुनाव में कर रहा हूँ, सबसे कठिन चुनाव माना जाता है इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। ये कठिन इसलिए है ताकि अब देखिए जो मैं अपनाई दे रहा हूँ, 30 लाख वोटर है गोरखपुर, पहले जो जनसंख्या हम लोगों का करीबन 55 लाख से 7 लाख के बीच में है। प्रदेश में इलाहाबाद के पास सबसे ज़्यादा वोटर गोरखपुर में है प्रदेश में। उसके बाद दूसरा नंबर पर आप देखेंगे जो बूथ है 4657 बूथे हैं, इतने जगह वोट पड़ेगी और तकरीबन 1849 जगह सेंटर रहे, 1849 जगह होगी। तो फिर ग्राम पंचायत सदस्य भी वोट पड़ता है, वाला ग्राम का होता है तो ट्रेनिंग में बता देंगे। उसके बाद BTC सदस्य भी वोट पड़ता है, उसमें अलग अलग का पर्ची होता है। इसके बाद जिला पंचायत जो वार्ड का होता है वो भी सदस्य मिलता है, आदमी जाकर के 4-4 वोट देना होता है और समय भी बहुत कम रहता है। कोरोना काल में इसलिए चुनाव आयोग ने समय बढ़ाने के लिए अभी बात चल रही, संभवतः समय भी बढ़ेगी 1 घंटे मान के जा रहे हैं। चलो चलो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 800 से ऊपर वोटर नहीं रहेंगे, बाकी जगह हम लोग 1200-1500 वोटर एक बूथ में रखते हैं ताकि EVM मशीन झपटके से 1 मिनट लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट लगता है कि बचेगा हो जाएगा। बट इसलिए तो सोच समझ करके, ताकि प्रक्रिया ही बहुत धीमे होता है, प्रक्रिया ही तो वहाँ भीड़ भाड़ लाइव हो जाता है वैसे ही। और आप जानते हैं वोटर इसमें 90% के ऊपर टर्नआउट होता है, उस पर गाड़ी लगा करके मुंबई या दिल्ली से लेके आते हैं सब वोटर, और ऐसे नहीं कोई छूट नहीं पाता, घर घर जाकर के खींच खींच करके ले जाकर के वोट देते हैं। और आप जानते हैं हर जगह तनाव रहता है, खास तौर पर मजरा वाइज आप जानते हैं प्रदेश तो जातिगत बात से बटा हुआ है, तो मुख्य मजरा में वोट कोई बिरादरी होंगे, मजरा में वोट भी होंगे, उनको इनका वोट देने नहीं देते हैं। और कौन आरक्षण होता है उसी के साथ संवेदनशीलता पर बढ़ता है, किसी वर्ग का आरक्षित हो जाता है फिर बाकी लोग एक तरफ हो जाते हैं, और पहले ही यदि तनाव होता है वो तो जुड़ जाता है, फिर होता ऐड होते जाता है उसको ऊपर पहले से ज़्यादा। आजकल तो प्रधानी में ग्राम पंचायत में पैसा भी पहुँच रही है, हमारे जनपद में करीब 35-40 गाँव में एक एक गाँव में 20-25 करोड़ रुपये गया है, 20-25 करोड़ परफॉर्मेंस रही। देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं उसकी एक नॉर्मल बैठक शुरुआत में की गई है, उसमें सभी SHOs, SDMs, CEOs उनको निर्दिष्ट किया गया है कि इस संबंध में जो भी कार्रवाइयां करनी है वो करा ली जाए, जो भी अराजक तत्व है जैसे ऐसे एलिमेंट्स जो चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनके खिलाफ 116-16 की कार्रवाइयाँ करा ली जाए, उनको 116 तार में पाबंद करा लिया जाए। पिछले इलेक्शन जितने भी हुए हैं, पंचायत इलेक्शन, विधानसभा या लोकसभा के जो भी इलेक्शन हुए हैं, इसमें जिन भी जिनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके विरुद्ध अवश्य निरोधात्मक कार्रवाई करा ली जाए, वो 116 की हो सकती है और गुंडा की हो सकती है, गैंगस्टर की भी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ऐसे लोग जो अराजकता फैलाते हैं, जिनके खिलाफ बॉडी ऑफेंसेज हैं और जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अवश्य करा ली जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। और जितने मुकदमे जिनके खिलाफ है और शस्त्र लाइसेंस भी जिनके पास है उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करा दिए जाएं, इसके लिए शस्त्र निलंबन की रिपोर्ट्स DM साहब के यहाँ भेज दी जाए। उसमें हम लोगों ने अभी तक 46 शस्त्र लाइसेंस जिले में निरस्त कराए हैं
और जितने भी शस्त्र है उनका वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं, जिनके खिलाफ अभी भी मुकदमे दर्ज है या शस्त्र है तो दोनों में वेरिफिकेशन करा के उसका शस्त्र निलंबन हम लोग कराएंगे। हिस्ट्री शीटर्स का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इलेक्शन को लेकर के जितने मतदान केंद्र हमारे यहाँ पर है उन मतदान केंद्रों का भ्रमण के लिए निर्देश दिए गए हैं, उसका चिन्हीकरण करने के लिए निर्देश किए गए हैं कि जो संवेदनशील है अति संवेदनशील है और सामान्य मतदान केंद्र है उनका चिन्हीकरण करके SDM CEOs और SHOs चिन्हीकरण करके उसके अनुरूप उस एरिया में कार्रवाई कर लें। देखिए पंचायत चुनाव का तैयारी का पहला मीटिंग एक तरफ से अब जान ही रहे लगभग, तो पंचायत चुनाव का तैयारी तो पूरा हो गया है, आरक्षण का प्रक्रिया चल रहा है, उसके बाद चुनाव का नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है। उसी के आज तो खासतौर पर सभी ऑफिसर को बुला रखा है, SHO लेवल का, CEO लेवल पे और SDM लेवल पे और BDO लेवल पे और ADM लेवल पे, और सभी का हम लोग क्लियर किए हैं टोटल कितने बूथें हैं, 30 लाख के ऊपर का वोटर है, उन लोगों का बेसिक सुविधा कैसे करना है और संवेदनशील अधिसंवेदनशील का अभी से चयन करना है, वो लैंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या तैयारी करना, उसी का तैयारी मीटिंग था और लगातार हम लोग हर सप्ताह मीटिंग करेंगे। उम्मीद है जो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करें। देखिए लगभग 23,000 लाइसेंस होल्डर है गोरखपुर में और उसी का सत्यापन करा के, ये जो हमेशा ये चुनाव के पहले एक प्रक्रिया होता है उसका जो लाइसेंस होल्डर है उन्हीं के हम लोग वेरीफाई करते हैं ताकि वो बंदूक किस हाथ में है और उसके बाद फिर यदि उनका ज़रूरत पड़ता है तो उनका रहने देते हैं, इसे नहीं तो जमा कराते हैं। इसी प्रक्रिया के हम लोग शुरुआत किए हैं, उसी के हम लोग निर्देश दिए थे किसी का गलत हाथ में यदि लाइसेंस है तो फिर उसका कैंसिल कराने की प्रक्रिया भी हम शुरू करेंगे।